नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद प्रजापत और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विनोद पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने लैपटॉप और पीसी के अंदर पिक्सल लिप का यूज कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल किस प्रकार से करें और इसका यूज किस प्रकार से करें, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने सिस्टम के अंदर एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें टाइप करूंगा ब्लू स्टेक्स। यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक दिखाई देगी, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा डाउनलोड ब्लू स्टेक वर्जन 5, आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम के अंदर पहले से ही इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइकन। यहाँ पे इस पर मैं डबल क्लिक करके अपने ब्लू स्टेक को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे आपको इसका विंडो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सर्च इन गूगल प्ले, तो यहाँ पे सर्च इन गूगल प्ले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, जैसा कि मोबाइल के अंदर ओपन होता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे सर्च बार के अंदर टाइप करना है पिक्सल लैब। आपको यहाँ पे सर्च बार के अंदर टाइप करना है पिक्सल लैब। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पिक्सल लैब का ऐप आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने पिक्सल लैब पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम के अंदर, तो यह यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का दिखाई देगा ऑप्शन। तो आप वहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें और फिर इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरे पास ओपन का ऑप्शन है, अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने अपने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है अपने सिस्टम के अंदर। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इसका जो इंटरफेस मोबाइल के अंदर दिखाई देता है ओपन होने के बाद, उसी तरीके से ये इंटरफेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अपन सारे जो काम अपन पिक्सल लैब के अंदर एक मोबाइल के अंदर करते हैं, उसी प्रकार से आसानी से हम सारे काम इस सिस्टम के अंदर भी अपन पिक्सल लैब को इंस्टॉल करके कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप यहाँ पे कमेंट जरूर करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश अवश्य करेंगे। और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।